वेलकम। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:40 और मेरी डिग्री हो चुकी है कम्प्लीटली। मतलब अब एक और बेरोजगार शामिल हो गया है बेरोजगारों की संख्या में और गधा मजदूरी करनी चालू हो जाएगी अब। अपार्ट फ्रॉम जोक, इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। आई हैव अटेम्प्ट जून एग्जाम ऑफ नेट कंडक्ट, मतलब जो 18 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ था ना, वो मैंने अटेम्प्ट किया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आई कैन स्कोर गुड मार्क्स। लिटरली यार गाइस, उसके अगले ही दिन NTA अनाउंस दैट कि हम एग्ज़ाम कैंसिल कर दें ड्यू टू सम कुछ पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। बताओ यार, जितने बच्चों ने मेहनत की है उनका तो पूरा जीवन ही, मतलब जीवन तो नहीं, एक दो साल जितने भी उन्होंने तैयारी की वो तो ख़राब हो गया ना। मतलब अब जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है ना, उनको पता है क्यों करवाया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लीक हो सके। इसीलिए नहीं करवाया जाता कि भाई आओ बच्चों तुम पेपर दो और कुछ बनो, नहीं, आओ और पेपर लीक करवाओ और हमारा फ़ायदा करवाओ। इसलिए आज है 20 तारीख और मैं चला अपने घर। ये देखो, ये बैग नहीं झूला, और बैग मेरे ये पीछे टंगा है। तो यार क्या ही बताऊँ अब मैं, इतना बुरा कर दिया NTA ने, है ना, पूरा का पूरा मजा ही ख़राब कर दिया। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, चलो घर चलते हैं और मज़े करते हैं। तो मुझे बताना क्या आप लोग भी घर जाते हैं? मैं तो घर जाता हूँ भाई साहब। सो रिच डे टू अर्ली एट प्लेटफॉर्म, है ना। So now I'm going to take tea and before that चलो थोड़ा बहुत चाय माय हो जाए, है ना, और फिर अपन अपनी ट्रेन के लिए वेट करेंगे। इधर बनती है चाय, एक चाय भैया। होटल वाले पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा चाय पत्ती डालते हैं, बिल्कुल चाय कड़वी लगती है। गलती से पी ली मैंने, अब कभी नहीं पीऊँगा, गद्दार ही कर रहा है। गाइस आई फील इट कि आज का जो पूंजीवाद योग है ना, जो कैपिटलिज्म लागू हो चुका है, हर कंट्री ये चाहती है कि मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब उद्योग हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा मैं ही कमाऊँ। तो यार इसमें होता ये है कि जो एक नॉर्मल पर्सन है ना, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, बिकॉज उसके पास ज़्यादा संसाधन रहते नहीं, तो उसको सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। भोपाल के अब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये एस्केलेटर लग गए हैं, तो जिसने भी मज़ा ना लिया उनका, आ जाओ और इनका मज़ा लेके जरूर जाना। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब मैं पत्थर हो चुका हूँ, पत्थर दिल। गाइस यार आजकल स्टेशनों पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ने लगी, क्योंकि लोग अब सजग हो चुके हैं तो वो ट्रेवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खड़ी है उज्जैन और इंदौर, उज्जैन इंदौर भोपाल, अच्छा हाँ भोपाल भी है इसमें। भाई असली जिंदगी तो ये कुत्ता ही जी रहा है, ये देखो ये नहीं तुम तो देखो भाई को, पहले देखो। गाइस यार अपनी ट्रेन आ चुकी है और अपन भी बैठे हैं पहले से ही। रही अपनी बोई अच्छी वाली ट्रेन, मेमू ट्रेन, ठीक, बहुत अच्छी ट्रेन है। आई लव दिस ट्रेन। क्या नाम है इसका? MEMU, मेमू ट्रेन। बैठो बैठो जल्दी बैठो, बाद में सीट आएगी। पहली बार तो नहीं, मुझे 10-20 बार ये सीट मिल गई, इस पर ही बैठो आज। तो यार गाइस यार मैंने अभी स्टेशन से पानी भरा एंड यार इतना गंदा पानी, इससे अच्छा तो मैं प्यासा ही रह लूँगा, भले ही चाय में प्यासा रह लूँ। यो तो मेरे पीछे देखो सारी ट्रेन खाली हो चुकी है, ऑलमोस्ट मंडी बामोरा पे 90% खाली हो जाती है। तो अभी मैं जाऊँगा बस स्टैंड, आज बस मत से कोई जाना वाना नहीं, क्योंकि आज अपनी बाइक आएगी और पानी नहीं पिया है सुबह से, क्योंकि बताया था ना उधर कितनी ज़्यादा गंदगी थी पानी में, मतलब पूरा कचरा ही कचरा था। पहले पानी पीऊँगा तो जाके जलेबी खाऊँगा।
तो ये रहा मंडी भामरा स्टेशन। एंड हाँ, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी आज कंपैरेटिवली अदर्स डे, बिकॉज पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों यार जैसा कि मैंने भोपाल में बता दिया था, अब मैं पत्थर दिल बन चुका हूँ, मतलब बेशर्मी की सारी हद पार कर चुका हूँ। तो मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे देखे ब्लॉगिंग करते हुए, वीडियो बनाते हुए, घर में जाओ तुम, लेकिन किसी की मैं प्राइवेसी को हिट नहीं करूँगा, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। और किसी को इसीलिए भी मैं वीडियो में नहीं लाता हूँ, है ना। पीछे जो दिखते हैं यार, वो तो दिखेंगे ही। अब मेरा कैमरा है ना, ब्लर तो होता नहीं, जब हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बाकी इतना ज़्यादा भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। आज देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और देखो स्टेशन से भी अभी लोग निकल ही रहे हैं, और अभी बस स्टैंड पर पहुँच गए होंगे, और बस के लिए इतनी ज़्यादा लाइन लगेगी, लाइन नहीं मतलब भीड़। और अभी हम हैं मंडी भामरा की पहली दूसरी गली, तीसरी गली में, मतलब ये मंडी भामरा का इसको बाज़ार बोल सकते हैं। और इसमें मैं अब कभी कपड़े मपड़े नहीं खरीदता, क्योंकि ज़्यादातर मैं भोपाल से ही ख़रीद लेता हूँ, और इतने ज़्यादा खास भी नहीं है यहाँ पे, है ना। 2 महीने से मैंने अपना हेयर कट नहीं करवाया है, और मैं अभी हेयर कट करवाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, है ना। छोटे छोटे बाल मेरे चेहरे पे बुरे लगते हुए, बिकॉज मेरा जो वजन है ना, वो BMI स्कूल से थोड़ा कम है, तो मुझे अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो स्टेशन पे तो पहुंच गया हूँ, स्टेशन पे नहीं मतलब बस स्टॉप पे, और यहाँ पे बसेस भी रखी हैं, बट मेरा कोई इरादा नहीं इतने जल्दी जाने का, बहुत सारी बसेस मिलती हैं कुरवाई के लिए, तो पहले कुछ खा लेते हैं, बिकॉज सुबह मैंने पानी अकेला पिया था, है ना, नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया था, और क्या बोलते हैं, न पोहा खाया था और न जलेबी खाई थी। तो कचौड़ी और जलेबी चुना है यार, क्योंकि समोसा गरम नहीं था। गाइस पेट पूजा तो हो गई है, और एक बस खड़ी थी वो चली गई है, कोई बात नहीं, बस के लिए वेट करते हैं। लेकिन गर्मी ने भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो गर्मी कभी नहीं तोड़ पाएगी, वो है सर्दी का, मतलब गर्मी में कभी सर्दी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं बैठ रहा हूँ प्रतीक्षालय में, मतलब कुरवा की प्रतीक्षालय इतनी ज़्यादा गंदी रहती है, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो इधर ही थूक जाते हैं, इधर ही कुछ भी कर लेते हैं, तो इसमें नगर पालिका की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम सफाई करती है, लेकिन यार ये लोग जो यहाँ पे आते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। ये ऑफिस है नगर परिषद कुरवाई का, और इसके जस्ट सामने सब्जी का मार्केट लगता है, एंड अभी हम सब्जी खरीद रहे थे, एक झोला भर के सब्जी खरीदी, एंड दिस वुड बी मोर देन 500, समझ रहे हो कितनी सी सब्जी है, मुश्किल से 3-4 किलो सब्जी होगी, और द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड।